जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, बिल्कुल निराश न होकर श्री भगवान की ओर बढ़ चलें। सचमुच बढ़ने की इच्छा रखने वाले को प्रभु बुला लेते हैं। जगत के किसी हेर फेर से चकित होने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ होता है भगवान का रचा हुआ होता है, आपके न चाहने पर भी वह होकर ही रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए यहाँ से अपनी दृष्टि सर्वथा मोड़ लेनी चाहिए और अधिक से अधिक भगवान का चिंतन करना चाहिए। अन्यथा इस जगत को देखकर कभी हंसना और कभी रोना पड़ेगा ही। एक और बात है, जहाँ तक हो प्रपंच के काम में कम पड़िएगा, नहीं तो भगवान गौण हो जाएंगे और प्रपंच मुख्य। भगवान का नाम यदि नहीं भूले तो सब ठीक हो जाएगा, यही सबसे मुख्य बात है। जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है, यों समझकर सदा निश्चिंत रहना चाहिए। एक क्षण के लिए भी अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए, मुझे इसी जीवन में भगवान के पास पहुंचना है। अगर इस बात को कभी न भूलेंगे तो फिर अपने आप जीवन की सारी चेष्टाएँ भगवान के लिए होने लगेंगी। वस्तुतः यहाँ का कोई भी पदार्थ हमें इसलिए साथ में रखना चाहिए कि उसके सहयोग से भगवान के मार्ग में अधिक से अधिक बढ़ा जा सके। जो पदार्थ हमें भगवान से हटाता हो वह तो सर्वथा त्याज्य है, चाहे वह कितना ही प्रिय क्यों न हो। यह कोई पढ़ सुन लेने की बात नहीं है, भगवान के इच्छुक भक्तों को सचमुच इसका क्रियात्मक प्रयोग करना पड़ता है। अवश्य ही भगवान परम दयालु हैं और वे अपने ऊपर निर्भर रहने वाले भक्त की सब प्रकार से सहायता ही करते हैं, किंतु कभी कभी प्रेम परीक्षा के लिए ऐसा अवसर भी मिला देते हैं जब भक्त को एक ओर भगवान और दूसरी ओर प्रलोभन, इन दोनों में से किसी एक पथ को चुनना पड़ता है। भगवान के विश्वासी भक्त तो सारे जगत का ऐश्वर्य ठुकराकर भगवान को अपनाते हैं। अतः आपको भी सदा सावधान रहना चाहिए, जिससे भगवान ही जीवन में मुख्य वस्तु हों, उनके लिए यदि आवश्यकता हो तो सब कुछ छोड़ दिया जाए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री